साउथ अफ्रीका लीजेंड के खिलाफ मैदान पर आया इरफान पठान का तूफान। दोस्तों इरफान पठान ने ठोक दिए 6 गेंदों में 37 रन और अकेले दम पर इस मुकाबले को जिता दिया। आखिरकार का हिसाब भी देखना चाहते हैं इरफान पठान की बल्लेबाजी का पूरा वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का एक मुकाबला खेला गया इंडिया लीजेंड और ऑस्ट्रेलिया लीजेंड के बीच में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया लीजेंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 171 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए 5 विकेट खोने के बाद, जिसमें वेन डंग ने 46 रन का योगदान दिया, तो वहीं एलेक्स डूलन ने 35 रन का योगदान दिया। जबकि इंडिया लीजेंड की ओर से गेंदबाजी कराते हुए अभिमन्यु और यूसुफ पठान ने 2-2 विकेट चटकाए। इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए इंडिया लीजेंड की टीम जब मैदान पर आई तो इंडिया लीजेंड की शुरुआत काफी खराब रही, क्योंकि सचिन तेंदुलकर, सुरेश रैना, युवराज सिंह, स्टुअर्ट बिन्नी पवेलियन जा चुके थे। उसके बाद दोस्तों भारतीय टीम हारने ही वाली थी, मगर छठवें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए इरफान पठान ने मात्र 12 गेंदों का सामना करने के बाद 37 रन की विस्फोटक पारी खेल डाली, जिसमें 2 चौके और 4 गगनचुम्बी छक्के भी शामिल थे। तो वहीं दूसरे छोर पर खड़े नमन ओझा ने भी कमाल कर दिया, जबकि नमन ओझा ने मात्र 62 गेंदों का सामना करने के बाद 90 रन की विस्फोटक पारी खेल डाली और इस मुकाबले को इंडिया लीजेंड की टीम ने 5 विकेट के बड़े अंतर से जीत लिया। और इसी तरीके से इंडिया लीजेंड की टीम ने रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के फाइनल में एंट्री कर ली। वैसे गाइस आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना क्या इंडिया लीजेंड की टीम अब की बार रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज जीत पाएगी या फिर नहीं।